लगभग 30-40 साल का ये डिमांड को आज नरेंद्र मोदी जी आज पूरा किया है, क्योंकि जो टर्मरिक हल्दी का बोर्ड बनाना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है, कुछ जिलों में टर्मरिक के लिए अच्छे जमीन है, उस जमीन में टर्मरिक का अच्छा खेती हो सकता है, प्रोडक्शन अच्छा मिलता है, इसलिए बहुत सालों से किसान इसके ऊपर आधार पर खेती करते हैं। इसी दृष्टिकोण से उस जितना मेहनत करते हैं उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहे। भारत सरकार के सामने इस विषय पर आया है, आज कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में तेलंगाना के लिए टर्मरिक बोर्ड का जो आज इस विषय पर एक ऑर्डर निकालने का आदेश दिया है, इससे तेलंगाना के किसानों का बहुत सालों का जो डिमांड था, डिमांड पूरा हुआ है। इसमें जो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट कोरोना के बाद टर्मरिक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। टर्मरिक मेडिसिन में यूसेज हो रहा है और कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। दुनिया का गोल्ड टर्मरिक के नाम पर इसको बहुत बड़ा डिमांड है। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार नॉट ओनली तेलंगाना, देश के अलग अलग प्रांतों को इसका लाभ मिलता है। सबसे बड़ा लाभ तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, असम, गुजरात, इस प्रांतों में ज्यादा किसान इस टर्मरिक का खेती करते हैं। आज इस बोर्ड के गठन के कारण उनका पूरा टर्मरिक का खेती के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और खेती के दृष्टिकोण से उनको प्रोत्साहन करने का, उसका प्रोसेसिंग यूनिट डालने का, उस प्रोसेसिंग में वैल्यू एडेड करना, उसको एक्सपोर्ट करने में पूरा भारत सरकार के द्वारा इस टर्मरिक बोर्ड का गठन के द्वारा पूरा उनका प्रोत्साहन देना, और जो एक टारगेट भी भारत सरकार दुनिया का सबसे बड़ा ये टर्मरिक भारतीय प्रोडक्शन करते हैं, इसमें एक कमिटी गठित होगा बोर्ड में, इसमें एक चेयरमैन नियुक्त होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, फैमिली वेलफेयर हो, वैसा ही फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री हो, अलग अलग आयुष मिनिस्ट्री हो, अलग अलग इसमें इस कमिटी में अधिकारी रहेंगे, इसमें फार्मर्स रिप्रेजेंटेशन रहेगा, एक्सपोर्टर्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे। इसका किसानों को लाभ मिलेगा, देश को अच्छे नाम भी होगा, इसलिए टर्मरिक बोर्ड के लिए जो खासकर तेलंगाना का जनता, खासकर फार्मर्स बहुत बड़ा संघर्ष किए थे बहुत सालों से। कुछ साल मैं बताना चाहता हूं, कुछ साल जब तक टर्मरिक बोर्ड नहीं आते हैं हम चप्पल नहीं पहनेंगे, ऐसा 15-20 साल से किसान विदाउट चप्पल तेलंगाना में घुमा है, मगर आज पहली बार कल शाम को अलग अलग किसानों को हमारा कार्यकर्ता चप्पल खरीद के दिया है। वैसा इतना आंदोलन था, इतना डिमांड था, इसका नरेंद्र मोदी जी का आज इस निर्णय से तेलंगाना के किसान बहुत बड़ा हर्ष व्यक्त कर रहे हैं।
और धन्यवाद भी व्यक्त कर रहे हैं। मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तेलंगाना के किसान के ओर से, तेलंगाना के जनता के ओर से, सारी जैसा स्टेट्स बताया महाराष्ट्र से के मिजोरम तक जितने भी प्रांतों के किसानों के ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं।